चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं आज कक्षा 10वीं में हिंदी, हिंदी में कृतिका भाग 2 का पाठ 2 जॉर्ज पंचम की ना। इसके लेखक है श्री कमलेश्वर। पिछली क्लास में हमने इस पाठ का सारांश देखा था, पाठ का परिचय देखा था और कठिन शब्दों के अर्थों को देखा था। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और बच्चों इन सब को आप अपनी कॉपियों पर भी लिख लीजिए। तो पहले प्रश्न है कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। तो इसका उत्तर है कि सरकारी तंत्र की मानसिकता निम्नलिखित दर्शाती है कि सरकारी तंत्र की क्या मानसिकता है। पहला, सरकारी तंत्र जागरूक तभी होता है जब भी कोई समस्या आ पड़ती है। फिर दूसरा, कि सरकारी तंत्र में हर मामले पर समितियां बनाई जाती हैं, सभाएं होती हैं और निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता। फिर सभी जिम्मेदारी निभाने से कतराते हैं और अपने से छोटों पर अपना जो कार्य रहता है वह डाल देते हैं। विचार विमर्श उच्च स्तर पर बहुत बहुत होते हैं परंतु निष्कर्ष बहुत ही छोटे या निम्न स्तर के होते हैं। सरकारी दफ्तरों में फाइलें खोजने को नहीं मिलती या फिर फाइलों में कुछ नहीं मिलता है। अफसर केवल और केवल घूसखोर और चापलूसी करने वाले होते हैं। एक विभाग अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर और दूसरा विभाग अपनी जिम्मेदारी तीसरे पर डाल देता है और कार्य इसी तरह आगे बढ़ता और फंसता चला जाता है। फिर प्रश्न दूसरा, कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी पर आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे। उत्तर है, रानी एलिजाबेथ रानी थी, साम्राज्ञी थी, वह कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। दर्जी पर रानी की वेशभूषा की जिम्मेदारी थी और उसे ही तय करना था कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब कौन सी ड्रेस पहनेंगी। इस कारण दर्जी का परेशान होना तर्क संगत। फिर प्रश्न की और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयास किए गए होंगे। पहला, सड़कों की मरम्मत कर उन्हें सुविधाजनक और चमकदार बनाया गया होगा। सड़कों के किनारे और पार्कों के पेड़ों की कांच छांट कर आकर्षक बनाया गया होगा। फिर संपूर्ण शहर में सफाई की गई होगी और सजावट भी भरपूर की गई होगी। सरकारी इमारतों पर को अच्छे से रंगाई पुताई करके रंगीन किया गया होगा और सभी सुविधा की सामग्री उपलब्ध कराई गई होगी। तो सरकारी लॉनों तथा पलकों की हरी भरी घास को काट छाट कर लॉन को चमकदार बनाया गया होगा। अब है आगे का प्रश्न कि आज की पत्रकारिता में चर्चित के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों का वर्णन का दौर चल पड़ा है। पहला है, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपका क्या विचार है। उत्तर, कि हम नहीं समझते कि इस प्रकार की पत्रकारिता समय व धन की बर्बादी के सिवाय कुछ दे सकती है। इस किस्म की पत्रकारिता घटिया होती है क्योंकि आम लोगों को चर्चित हस्तियों के पहनावे उनके अंगरक्षकों, उनके पालतू जानवरों, कामगारों की जीवनियों को जानने या पढ़ने की उत्सुकता बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर इसी का कहा है कि इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है।
दूसरा है कि युवा उनके पहनावे की नकल करने की कोशिश में जीवन गलत दिशा में मोड़ देते हैं और यह फैशन परस्ती युवा पीढ़ी पर बुरा असर डालती है, क्योंकि अगर उनके पास पैसा ना हो तो देखा देखी और बराबरी करने के चक्कर में गलत आदतों पर पड़ जाते हैं और अपने पति से भ्रष्ट हो जाते हैं। फिर प्रश्न की प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी, सब हुक्मरानों ने एक दूसरे की तरफ ताका, पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छानकर ही तो उत्तर है कि इस नाक के लिए बड़े बड़े तहलके मचे, किसी वक्ता राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव किए, चंदा जमा किया, कुछ नेताओं ने भाषण भी। फिर है दूसरा, देश के संपन्न और बड़े लोगों की मीटिंग बुलाई है और इस मसले को उस मीटिंग में पेश किया। फिर उच्च स्तर, बड़ी बड़ी बातों पर मशवरे हुए, चर्चाएं चली, दिमाग में पहुंचे गए और तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। फिर है मूर्तिकार, या तो कलाकार थे या के पैसे के लाचार। कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, एक की नजर ने दूसरे को कहा कि यह बताने की तुमने काफी अब तुम्हारी है। फिर प्रश्न की सब मेरी खत्म, आपको पहले सब कुछ हजम हो चुकी है। फिर सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से आगे का प्रश्न नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है लिखी। उत्तर है, नाक तो सही में मान सम्मान प्रतिष्ठा का द्योतक है, यह तो सही बात है, पर हम पाठ के उस नजरिए से देखते हैं कि यह पाठ व्यंग रचना पर आधारित है। नाक व्यक्ति की प्रतिष्ठा का प्रतीक तो होती है और जॉर्ज पंचम की नाक कट जाने का अर्थ उनकी प्रतिष्ठा का भूल में मिल जाना, यह दोनों देशों के लिए परेशानी का बहुत बड़ा कारण बन गया। ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा और भारत पर खतरे का प्रतीक बन गया। बाद में यह भी उद्घाटित हुआ कि भारत के नेताओं, शहीदों, बच्चों सभी की प्रतिष्ठा हमारे लिए विदेशियों से अधिक है। उन्होंने हमारे देश पर शासन किया, परंतु आत्मा पर भारत माता का ही शासन था और है और आगे हमेशा भारत माता का ही शासन रहेगा। अब है प्रश्न कि जॉर्ज पंचम की लाठ पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस और संकेत करना चाहते। उत्तर है, यह बात संकेत देती है कि हमारे देश के लिए शहीद हुए भारतीय नेताओं और बच्चों की प्रतिष्ठा और मान सम्मान विदेशी शासकों की तुलना में बहुत अधिक है। निर्दयी विदेशी शासकों को हम सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, इसी सोचने पर भी गुलामी की वो आती है। अब है प्रश्न, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया। उत्तर है कि अखबारों ने इस खबर को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इसके अलावा कोई खबर नहीं छपी, जैसे स्वागत की, समारोह की, उद्घाटन की। यह नाक का विरोध करने का एक ढंग था। फिर प्रश्न की नई दिल्ली में सबका सिर्फ नाक नहीं थी, इस कदम के माध्यम से लेकर का क्या कहना है। उत्तर है कि इस कदम का आशय है, भले ही दिल्ली में ब्रिटिश साम्राज्य का